मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कलवा विधानसभा चुनाव के एमआईएम के उम्मीदवार गुंजन सेठ ने नामांकन वापस लेकर फरार होने पर मुंब्रा में एमआईएम पार्टी की काफी किरकिरी हो रही है। मुंब्रा में एमआईएम से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने वाले एक्टर एजाज खान ने कहा है कि मुंब्रा से असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीदवार का चुनाव करने में गलत फैसला लिया और एक गलत उम्मीदवार को टिकट दिया जो मैदान छोड़कर भाग गया। कहीं ना कहीं एजाज खान ने असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम की टीम को जिम्मेदार बताया है। यही नहीं, जो उम्मीदवार इस विधानसभा चुनाव के मैदान में है उन पर भी तंज कसा है। हालांकि गुंजन सेठ को टिकट देने पर एमआईएम के लोग विरोध कर रहे थे, मगर असदुद्दीन ओवैसी के फैसले के बाद विरोध करने वाले एमआईएम के लोग गुंजन सेठ का समर्थन करने लगे। मगर ऐसे में आज गुंजन सेठ ने नामांकन वापस लेकर चुनावी मैदान छोड़कर फरार हो गया और मुंब्रा के एमआईएम कार्यकर्ता से लेकर पूरे शहर में गुंजन सेठ के फरार होने की चर्चा तेजी से फैल रही है। ऐसे में एमआईएम जो मुद्दे को लेकर सालों से चल रही थी, इस चुनाव में एमआईएम को काफ़ी उम्मीदें थी, मगर गुंजन सेठ ने नामांकन वापस लेकर फरार हो गया और मुंब्रा कलवा से एमआईएम की नैया गुंजन सेठ ने डुबा दी है। एजाज खान ने भी असदुद्दीन ओवैसी के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और जो लोग ये कहते थे हमारे सदर का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, जो लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को खुदा बना दिया, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों मेरे प्यारों, जब हर सीट एमआईएम जीतने के लिए कर रही है, देखा क्या हुआ मुंब्रा कलवा के, तुम्हारे असद भाई ने जो जिसको चूज किया था गुंजन सेठ, उसने विड्रॉ कर लिया है। यह थी असद भाई की चॉइस, एक मर्दे मुजाहिद जो टिकट मांग रहा था, जो टिकट मांग रहा था उसको नहीं दिए और ऐसे गद्दार को टिकट दिए, यह था असद भाई का फैसला। और उसके बारे में जाके असद भाई प्रचार भी किए। आज मुंब्रा कलवा गया वापस अवध के हाथ में और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है, एमआईएम की टीम है। जो लोग टिकट डिसाइड करते हैं, जो लोग सिलेक्ट करते हैं, सारे डमी कैंडिडेट है। आपको धीरे धीरे महाराष्ट्र इलेक्शन में पता चल जाएगा सारे के सारे डमी कैंडिडेट है। और फिर एक बार कहता हूं असद भाई, बहुत गलत फैसले किए आपने महाराष्ट्र इलेक्शन में, बहुत गलत फैसले किए, उसका अंजाम आपको अल्लाह ने सबसे पहले यहां से दिखाया, जहां से एजाज खान कह रहा था आपसे, अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी या रब्बुल आलमीन, मेरे खालिक मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। एमआईएम के उम्मीदवार गुंजन सेठ जिस तरह से फरार हो गए नामांकन वापस लेकर, पूरे शहर और राजनीति गलियारों में इसकी हलचल तेजी से है। लोगों का यही कहना है कि गुंजन सेठ ने पार्टी के साथ धोखा किया है। एमआईएम के जो इस शहर के तमाम मुद्दे थे जिस पर वो चुनाव जीतने के दावा करते थे, मगर ऐसे में अब एमआईएम का उम्मीदवार नामांकन वापस लेकर फरार हो गया है। अब एमआईएम के लोगों को इस पर जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।